दोस्तों, आप जब भी मार्केट से कोई फ़ोन परचेज करने जाते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि ये पीटीए अप्रूव डिवाइस है, ये नॉन अप्रूव डिवाइस है और ये पीटीए पैच अप्रूव डिवाइस है। तो आपको ये तो पता होगा कि नॉन अप्रूव डिवाइस कौन सी होती है जिसका टैक्स पे नहीं किया हुआ, इस पर सिम नहीं चलेगी, अगर चलेगी भी सही तो 2 महीने चलेगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। जो पीटीए अप्रूव डिवाइस है उसका आपको पता है या तो ये ऑफिशियली लॉन्च हुई है या इसका किसी ने इम्पोर्ट करके टैक्स पे किया हुआ है और इस पर सिम चलती रहेगी और बंद नहीं होगी। मोस्टली ये फोन थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। उसके बाद बारी आती है पीटीए पैच अप्रूव की। आप इस चीज़ की टेंशन रहते होगी कि भाई ये है क्या चीज़, इतनी सस्ती क्यों है, इसको पैच अप्रूव क्यों कहते हैं। कोई पैच अप्रूव कहता है, कोई वीआईपी अप्रूव कहता है, कोई आईएमआई टेम्पर कहता है, कोई किट मोबाइल कहता है। तो पैच अप्रूव होता क्या है और अगर आपको पैच मोबाइल परचेज करना पड़ता है तो आपको बाद में क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। पहले तो आप कुछ ना कुछ प्राइस बचा लेंगे, कॉस्ट बचा लेंगे, पर बाद में आपको क्या मसले होंगे, क्या आपके सारे पैसे ज़ाय तो नहीं हो जाएंगे, या क्या आप ये फ़ोन परचेज करके किसी मसले में तो नहीं पड़ सकते, कोई पुलिस एक्टिविटी में तो नहीं पड़ सकते, कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है ये। ये चीज़ें सारी की सारी आपको कोई शॉप वाला नहीं बताएगा, कोई ऑनलाइन सेलर नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ये आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगी। आज आपको इसी की सारी कहानी समझाऊंगा। आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, वीडियो सारी देखेंगे तो ही आपको कन्फर्म आइडिया होगा और सारा पता चलेगा कि भाई ये सारी कहानी है क्या। अगर आप वीडियो का कोई पोर्शन स्किप करते हैं तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप वही पूछते फिरेंगे कि भाई ये पैच मोबाइल क्या होता है, पैच मोबाइल क्या होता है। तो वीडियो का कोई भी पोर्शन स्किप करेंगे तो अपने रिस्क पे करेंगे। इसके लिए हमें 4 चीज़ें जानना लाजमी होंगी। पहली कि भाई आईएमई नंबर होता क्या है, दूसरा पीटीए टैक्स लगाया क्यों गया है, गवर्नमेंट पागल है या क्या सीन है, तीसरा पैच अप्रूव मोबाइल क्या होते हैं और इनको पैच कैसे किया जाते हैं, और चौथा अगर आप पैच अप्रूव मोबाइल परचेज करते हैं तो आपको क्या मसले मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं, क्या आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कभी जेल की हवा तो नहीं खा लेंगे। ये सारी चीजें जानना लाजमी है। अगर आप सीधा चौथे पॉइंट की तरफ भागते हैं कि भाई पैच अप्रूव के मसले मसाइल क्या होते हैं तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि पैच अप्रूव होता क्या है, तो फिर आपको मसले मसाइल भी नहीं समझ आएंगे। इसलिए भाई पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईएमआई नंबर क्या होता है। आईएमआई नंबर के लिए मैंने 2 करेक्टर लिए हैं, एक ये बिलाल है और एक ये बिलाल है। सपोज दोनों का नाम सेम है। इस बिलाल ने जाके बैंक से 1 मिलियन का लोन लिया और 1 साल तक कोई भी किस्त जमा नहीं कराई। अब बैंक वालों ने पुलिस में रिपोर्ट किया कि एक बिलाल साहब हमारे से लोन लेके गए थे और उसकी अभी तक कोई भी किस्त वापस नहीं आई। तो उसके बाद पुलिस क्या इस बिलाल को पकड़ के ले जाएगी? नहीं, हरगिज भी नहीं, क्योंकि ये बिलाल, इसका नाम सेम है, बेशक इन दोनों की शक्ल भी सेम हो, दोनों बेशक जुड़वा भाई हो, ये बिलाल अलग है, ये बिलाल अलग है। किस बेसिस पे? इसका CNIC नंबर अलग है, इसका NIC नंबर अलग है, जिसको हम शनाख्ती कार्ड नंबर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास मोबाइल्स में होता है IMEI नंबर। मोबाइल्स का जो CNIC नंबर होता है वो उनका IMEI नंबर, उसको समझ लें। जो IMEI नंबर है वो समझे मोबाइल का NIC नंबर है, उसकी बेसिस पे मोबाइल ट्रेस होते हैं, मोबाइल्स को पकड़ा जाता है या मोबाइल को पीटीए ब्लॉक करता है या उनकी सिम सर्विस अलाउ करते हैं जब उसका टैक्स पे किया जाता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि भाई IMEI नंबर क्या होता है। और किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर देखने के लिए आपने सिंपली डायल करना है *#06#। आपको उस मोबाइल का IMEI नंबर शो हो जाएगा पहले पोर्शन में। अब हम जरा बात करते हैं कि पीटीए टैक्स है क्या और ये क्यों लगाया गया। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप समझ लें कि जिस साइड पे ये हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, ये हमारी जो आवाम है, ये इस तरफ पाकिस्तान है और ये जो बाकी दूसरी तरफ है, ये हमारी दूसरी दुनिया है, हमारा यूरोप समझ लें या अमेरिका समझ लें या बाकी जो कंट्रीज है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, हमारी एक तो इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमारी जो करेंसी है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास बेकार से मोबाइल आते हैं। हमारे पास ओप्पो, वीवो, टेक्नो या इन्फिनिक्स जैसी कंपनियां हैं बड़ी, वो अपने मोबाइल्स बेचते हैं। जो अच्छे मोबाइल्स हैं जैसे कि हमारे पास एप्पल या गूगल की डिवाइसेज हैं, वो हमारे पास लॉन्च नहीं होती पाकिस्तान में। कुछ भाई तो हमारे इन डिवाइसेज से खुश हो जाते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का या इन चीज़ों का अच्छे से आइडिया नहीं है, जो पहले टच मोबाइल यूज़ ही नहीं करते थे, उनके लिए टच मोबाइल ही गनीमत है। तो वो टच मोबाइल देख के, बड़ी बैटरी देख के, बड़ा डिस्प्ले देख के इन डिवाइसेज की तरफ चले जाते हैं और इसी को ही चला के खुश होते रहते हैं। कुछ लोग मेरी या आपकी तरह होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का शौक होता है और उनको अच्छी डिवाइसेज का पता होता है कि भाई बाहर एप्पल या गूगल जैसी डिवाइसेज हैं, सैमसंग की भी अच्छी डिवाइसेज बाहर बिक रही हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर जाके एक डिवाइस पकड़ के ले आते हैं या इम्पोर्ट करके ले आते हैं और इधर आके यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी जो PKR होती है, जो हमारी करेंसी होती है, वो बाहर जाती है और हमारी इकोनॉमी जो पहले से इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है उस पर ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन मोबाइल्स पे टैक्स लगा दिया कि भाई जो मोबाइल इधर से इधर आएगा उस पर टैक्स होगा, पीटीए टैक्स। अगर आपको शौक है यहाँ से यहाँ मोबाइल लेके आने का, अपनी इकोनॉमी खराब करने का, तो आप हमें टैक्स देंगे। इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कि भाई लोग इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ना करें और हमारे इम्पोर्ट बिल पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। ये टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैवी लगाया गया कि लोग डिस्करेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेज इम्पोर्ट ना करें, जितना भी हो सके उतनी कम डिवाइसेज इम्पोर्ट करें और एक ही डिवाइस को ज़्यादा अच्छा चलाएं। तो कुछ लोग पूछते थे कि भाई ये गवर्नमेंट पागल है, लोगों को टेक्नोलॉजी से दूर कर रही है, लोगों को अच्छी डिवाइस से दूर कर रही है, टेक्नोलॉजी भी हमारा हक है, हम इसको यूज़ करें, पर हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है और इस टैक्स से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है।
जहाँ पे लोग हमारे पास ये 2-3 या जितने भी मोबाइल उनको मिलते सारे के सारे इम्पोर्ट कर लेते, वो अब सिर्फ एक मोबाइल इम्पोर्ट करते हैं या अपनी ज़रूरत का मोबाइल इम्पोर्ट करते हैं। और इम्पोर्टेड मोबाइल्स की प्राइस भी इसी वजह से ज़्यादा होती है कि उन पर टैक्स और ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो अब आपको पता चल गया कि पीटीए टैक्स किस लिए है और पीटीए टैक्स होता क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि भाई पैच अप्रूव मोबाइल क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बंदा इस मोबाइल को बाहर से लेके आया था, इसने इस मोबाइल को यूज़ किया 2 महीने, 2 महीने के बाद इसकी सिम बंद हो गई क्योंकि ये नॉन पीटीए मोबाइल था, इस पर टैक्स पे नहीं किया गया। तो अब इसकी सिम बंद हुई है तो इसे किसी ने कहा कि भाई इसका टैक्स पे करो। तो अब इस बंदे ने जाके इस मोबाइल का पीटीए की वेबसाइट से जब टैक्स पता किया तो इसे पता चला कि इसका टैक्स ही 1,16,000, 1,17,000 है, और अगर ये पासपोर्ट पे पे करेगा तो इसका टैक्स 85,000 या 86,000 होगा। टैक्स का सुन के ये बंदा टेंशन में आ जाता है और ये मारा मारा फिर रहा होता है कि भाई मैं अपना मोबाइल कैसे यूज़ करूँ, इसकी तो सिम ही बंद हो गई है, ये गवर्नमेंट पागल है, ये सब कुछ सिस्टम ही खराब है, इसको ये मसला है, इसको वो मसला है। जैसे ये बंदा टेंशन से पड़ा होता है तो एंट्री होती है इस बंदे की और ये आगे इसको कहता है कि भाई 3,000 से 4,000 में मैं तुम्हारा मोबाइल चला दूंगा, तो मोबाइल अपना दे के जाना और नेक्स्ट डे अपना मोबाइल वापस ले जाना और तुम्हारे मोबाइल की सिम चल रही होगी। तो ये बंदा हैरानी से इससे पूछेगा कि भाई वाकई ऐसा हो सकता है, और ये बंदा कहेगा कि हाँ जी वाकई हो सकता है, आप अपना मोबाइल दे जाओ, अगले दिन आपकी सिम वर्क कर रही होगी। इसको यही पता होगा कि भाई इसने इसका टैक्स पे किया या इसका कोई पीटीएम में जानने वाला है जिसकी वजह से इसने सस्ते में अप्रूव करा दिया, पर कहानी कुछ और होती है और वो कहानी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अब ये बंदा खुशी से इसे मोबाइल दे के चला जाएगा और घर जाके सो जाएगा। बारी आएगी इस बंदे की, ये बंदा क्या करेगा, इसके मोबाइल को रूट करेगा, रूट करने के बाद इसका सॉफ्टवेयर टेम्पर कर देगा, इसमें एक और रोम इंस्टॉल करेगा, रोम इंस्टॉल करने के साथ साथ इस मोबाइल का IMEI नंबर चेंज कर देगा किस मोबाइल के साथ, किसी अपने ओप्पो वीवो के पीटीए प्रो मोबाइल के साथ। अब इसका मसला क्या होगा कि एक ही IMEI नंबर इस पे भी रन कर रहा है, इस पे भी रन कर रहा है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पैच अप्रूव डिवाइस। ये पहले नॉन पीटीए था, इस पे टैक्स पे नहीं किया हुआ था, अब ये हो गई है पैच अप्रूव डिवाइस। अगर इसका टैक्स पे कर देते तो ये होती पीटीए टैक्स पेड ऑफिशियल टैक्स पेड डिवाइस, जिसका कोई मसला नहीं है और ये लीगल प्रोसेस है और ये अच्छी डिवाइस समझी जाती है और मार्केट में महंगी होती है क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि भाई अगर हमने पैच अप्रूव मोबाइल लिया तो इसके साथ क्या मसले मसाइल होंगे। अब इस बंदे ने जब पैच मोबाइल ले लिया तो अब इसके साथ क्या मसले मसाइल होंगे, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं ये सारा प्रोसेस इलीगल है, IMEI नंबर चेंज करना, IMEI नंबर टेम्पर करना इलीगल प्रोसेस है और ये जो बंदे करते हैं इनको ज़्यादातर पुलिस उठा के ले जाते हैं और ये छुप छुप आगे कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये बंदा खराब है, किसी न किसी इलीगल एक्टिविटी में पड़ा रहता है, तो अब इसने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से पुलिस इसके मोबाइल को ट्रेस कर रही है इसके IMEI नंबर से, और यही वाला IMEI नंबर इस मोबाइल पर रन कर रहा है, पुलिस आके इस बंदे को उठा के ले जाती है कि हम कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे जिसकी वजह से हम आपको लेके आए हैं और आप अपने मोबाइल चेक करवाएं, अपने जो भी मसले मसाइल है, इसको जेल की हवा काटनी पड़ेगी, सारी की सारी सफाइयां देनी पड़ेंगी। फिर भी पुलिस को अगर ठीक लगेगा कि भाई ये बंदा सही है तो ही इसको छोड़ेगी, नहीं तो उनके पास सारा प्रूफ होगा कि भाई इसी IMEI नंबर से, इसी मोबाइल से ये सारा काम किया गया, इसको कोई ना कोई सजा ऐसी मिल सकती है। उसके बाद क्या होगा कि भाई ये मोबाइल रूट हो चुका है और ये पैच मोबाइल है तो इसमें बैंकिंग की एप्स वर्क नहीं करेंगी और नेटफ्लिक्स और भी बहुत सारी एप्स हैं जो कि रूट मोबाइल पे वर्क नहीं करती। तो आपके पास मोबाइल तो अच्छा होगा पर आप अच्छे मोबाइल में बहुत सारी एप्स से महरूम रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट ये पॉइंट है कि भाई अगर आप इस मोबाइल को गलती से रीसेट कर देते हैं या इसकी सेटिंग रीसेट कर देते हैं तो इसका IMEI नंबर उड़ जाएगा, इसमें सिम वर्क करना छोड़ जाएगी और इसका ओरिजिनल IMEI नंबर भी खत्म हो जाएगा, कोई रैंडम सा नंबर आ जाएगा जिसपे कोई भी सिम वर्क नहीं करेगी, आपको दोबारा जाके ये मोबाइल पैच करवाना पड़ेगा। अब जैसा कि आप ये मोबाइल 1 या 2 महीने यूज कर चुके होंगे, आपका इसमें डाटा पड़ा होगा, आप इसको जाके उस बंदे को हैंडओवर कर देंगे रिस्टोर करके या डाटा रिमूव करके, भाई आप इसको दोबारा से पैच कर दें, तो वो बंदा सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टूल यूज करके आपका कीमती डाटा रिकवर कर लेगा, आपका ऐसा डाटा रिकवर कर लेगा जो आप उसे नहीं दिखाना चाह रहे होते, और आपको उस डाटा की बेसिस पे ये बंदा ब्लैकमेल भी कर सकता है कि भाई मेरे पास ये डाटा है मैं लीक कर लूंगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो, या आपसे अपनी मर्जी के काम करवाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, आपको कोई भी नहीं बताता कि आपका डाटा लीक हो सकता है, आपका डाटा रिकवर हो सकता है, इसलिए खुदा रहा ऐसे मोबाइलों से बचें। और अगर आप देने जा भी रहे हैं तो एक बार मोबाइल को रिस्टोर करें, उसमें कोई गाने या फजूल डाटा भरें जिससे लीक करने से आपको कोई मसला नहीं हो, उसको दोबारा से रिस्टोर करें और जाके फिर उसे भाई ये मेरा मोबाइल दोबारा से पैच कर दो। इसमें ये होगा कि जब भी वो रिकवरी करेगा तो वो गाने और वीडियोस वगैरह ही आएंगे, आपका अपना डाटा इसमें नहीं आएगा। अब ये मोबाइल जब तक इंसाफ के पास पड़ा, इसमें 2 दिन लगते 3 दिन लगते ये पैच करेगा, और आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, आप अपना कोई पुराना फीचर फोन उठा के यूज कर रहे हैं और आप अपने बहुत से लाजमी ईमेल्स या मैसेजेस वगैरह मिस कर जाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
ये मोबाइल जितनी भी देर मार्केट में रहेगा आप इसे सेल भी कर दें तो भी इस बंदे के पास आता जाता रहेगा और यही बंदा कमाएगा इस मोबाइल से, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं जाएगा। इस तरह के बंदे इस चीज में बहुत सा फायदा उठा जाते हैं जो कि इलीगल प्रोसेस है और इस चीज से आपको बचना चाहिए। आपको ऑफिशियल पीटीए अप्रूव, नॉन पीटीए और पीटीए पैच अप्रूव डिवाइसेज में फर्क का पता चल गया। अभी भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कोई भी मोबाइल लेते वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑफिशियल अप्रूव है या फिर पैच मोबाइल है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो ना, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आने वाली है, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करने, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए